आप अपने फादर के साथ कभी गए थे फिल्म के सेट पर बहुत पे? बार बहुत बार मतलब फर्स्ट मेमोरी क्या है कि कुछ ये जादू सा हो रहा है कैमरे के आगे आई थिंक uh, uh, 78 79 काला पत्थर या त्रिशूल आई थिंक इनमें से कोई एक फिल्म में मैं गया था सेट पे जब मैंने अमित जी को एक्शन करते हुए देखा था एंड तो uh, अमित जी स्लिम ट्रिम लंबे चौड़े और हमारे जितने तब उस जमाने के फाइटर होते थे, थे सब 6 फुट 2 इंच हटटे-कट्टे एंड अमित जी मार रहे हैं और सारे गिर रहे हैं मुझे थोड़ा ऑर्ड लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है लॉजिक <laughs> नहीं समझ तो रात को हम घर आ रहे थे तो हमारे पास जीप थी तो छोटा था मैं बहुत छोटा डैड जीप चला रहे तो मैं बैठा था तो मैंने डर डर के पूछ लिया है अमित अंकल को अमित अंकल कैसे मार सकते हैं इन सब लोगों को इतना मतलब क्योंकि वो तो सारे इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो गाड़ी चलाते हुए मेरे को देखे बोले क्योंकि वो हीरो है और हीरो कुछ भी कर सकता है तो इसलिए आज मेरा हीरो भी कुछ भी करता है डरते <laughs> थे आप अपने पिता से यू सेड डर डर के पूछा या उस टाइम डरे वो पर्सनालिटी वैसी थी लेकिन कभी उन्होंने अपनी आवाज रेज नहीं की कभी हाथ नहीं उठाया वो जो घर पर जो उनका एक खौफ था ऑडियंस में उसके बिल्कुल विपरीत थे वो घर में उतने हम्बल सॉफ्ट स्पोकन uh, और इन जनरल बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे बहुत हम्बल थे इमेज वैसी बन गई और वो अच्छा भी था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था तो रियलिटी नहीं पता चलती थी लोगों को हाँ। कि कैसे हैं <laughs> ने तो इंस्टाग्राम पे आ जाता था कि आज मैं खाना बना रहा हूँ <laughs> <laughs> तो इसलिए आज स्टार नहीं बन पा रहे लोग हाँ। क्योंकि इमेज नहीं है सीक्रेसी नहीं है और... सीक्रेसी नहीं है स्टार का मतलब ही ये था ना कि आप पहुंच नहीं सकते वहां तक आपको लगता है कि ये थोड़ा सा यू दिस इंडियन सिनेमा की एक थोड़ी सी लिमिटेशन भी रही कि

मैक्सिमम पुलिस पुलिस हाँ। हाँ। तो वर्दी भी मतलब खुद ही से लाके हर तबके की रखते थे उन लोग के हाँ मैं पहन के आ जाऊंगा फिटिंग करेक्ट होगी तो उस जमाने में आई थिंक इमेज बहुत वर्क करता था वो टूटना फिर बहुत लेट शुरू हुआ जैसे अमरीश जी ने फिर फादर का रोल भी प्ले करना शुरू कर दिया दिल वाले दुल्हनिया अगर आप yes. देखें बट पहले ऐसा नहीं होता था <coughs> एक बार जो सेट हो गई इमेज सेट हो गई हाँ मुझे बड़ी खुशी होती थी एक फिल्म थी बुढा मिल गया हर फिल्म के एंड में जब पिक्चर रिलीज होती तो दोस्त आते थे डिस्कस करते रहे, तेरे डैड को धर्म जी मार रहे हैं अमित जी मार रहे हैं ऐसे कैसे होता है यार इतने लंबे छोड़े एक फिल्म थी बहुत ही मतलब छोटे लेवल की फिल्म थी बुढ़ा मिल गया उसमें वो पुलिस ऑफिसर थे सीआईडी बने थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक फिल्म तो जिसमें सही काम कर रहे हैं पर ये पता था मतलब कब पता चला कि यार ये रियल नहीं है जैसे कई बार होता है ना हम फिल्म में देखते हैं कि बहुत छोटे थे कि फलाना मर गया तो हम एक दो दिन तक दुखी रहते थे <laughs> तो मर, वो क्या तो हो मर हो गया क्या ये बचपन में एक्चुअली माहौल ऐसा था तो कभी ये समझ में नहीं आया कि ये रियलिटी नहीं है या ये रियल है नहीं है या ऐसा कुछ क्योंकि माहौल वैसा रहा घर पर फिल्म रिलेटेड तो ये तो पता ही था कि मतलब जो हो रहा है वो सब नकली ही है बट जब डैड की बात की जाए तो उनके लिए फिजिकली बहुत सब असली होता था क्योंकि कई बार घर लौटे तो हाथ में स्टेचेज है टकले पे स्टिचे सर पे लगा हुआ है मार खून पे ल, ल, ब्लड है कुर्ते पे या शर्ट पे तो वो बहुत ऐसा हमने देखा है माहौल घर पे एंड uh, फिर वही सिलसिला चलता रहा तो फिर तब से लगा कि यही काम हमारा काम है यही करना है हमें